और मैदान जंग में आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर कैश का अंबार मिला है। और जहां से कैश का अंबार मिला है और ईडी की छापेमारी के दौरान मिला है, वो भी बहुत चौंकाने वाला है। करीब पिछले कई घंटे से 6 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, लेकिन जहां से कैश मिला। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता और सांसद निशिकांत दुबे जी जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, इतनी बड़ी तादाद में कैश मिला है, आपने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके आपने सीधे आरोप लगाया है कि करीब 30 करोड़ रुपए मिले हैं, कहां से आपको यह जानकारी मिली है? 30 करोड़ तो अभी तक मिले हैं, 50 करोड़ चला जाएगा। ये 50 करोड़ से ज्यादा जो है रुपये मिले हैं, काउंटिंग तो होने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि ये पैसे, जैसे हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार में जेल में है, ये दिखाता है कि कांग्रेस जो है कितना भ्रष्टाचार कर रही है। यहाँ केवल लूट की छूट है। और ये जो आलमगीर आलम है, इसने पूरी डेमोग्राफी बदल दी है। जो प्रधानमंत्री जी ने चिंता जाहिर की थी अभी फूटी के जनसभा में, चाइबासा की जनसभा में, कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, वो घट संथाल परिणाम में रही है। 36% से 24% आदिवासी हो गया। ये धर्मांतरण जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है और सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को ये संरक्षण दे रहा है आलमगीर आलम। इसीलिए जिले का, साहबगंज जिले का, जामताड़ा जिले का, गोड्डा जिले का पूरा डिमोग्राफी बदल गया है। इसकी जांच तो एनआईए से होनी चाहिए। और आलमगीर आलम देशद्रोही है, इसीलिए एनआईए की जांच होनी चाहिए। और कांग्रेस सभी भ्रष्टाचारी और देशद्रोहियों के साथ है। ये पैसा उसी का वानगी है जो पकड़ाया है। निशिकांत दुबे जी, आप आलमगीर आलम को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा मिला है वो उनके पीए के नौकर के पास मिला है, वो तो आरोप लगाएंगे कि कैसे कनेक्ट होता है ये? ये कनेक्ट हो जाएगा ना, वो आप मतलब वो काम ईडी का है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वीरेंद्र राम एक चीफ इंजीनियर थे जिनके यहाँ 150 करोड़ रुपया पकड़ाया था, और इसी के अंदर में थे रूरल डेवलपमेंट में, जहाँ जो जिस विभाग के मंत्री हैं आलमगीर आलम। और वीरेंद्र राम के यहाँ जिस वक्त ये डायरी पकड़ाई थी, उस वक्त पता चला था कि आलमगीर आलम साहब और आलम के साहब के साथ 3-4 जो कांग्रेस के विधायक जनसंचे, वो सब किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग और ठेकेदारी मैनेज कर रहे थे। और उसी के सिलसिले में ये छापेमारी है। ये आज का नहीं है, ईडी ने कोई एक दिन में कोई फैसला नहीं कर लिया। वीरेंद्र राम अभी भी जेल में बंद है और वो साल भर पहले, 7 महीना पहले जो इसके यहाँ रेड हुआ था। ये सारे कनेक्शन केवल और केवल आलमगीर आलम को जाते हैं। और ये कांग्रेस नेतृत्व को जाएगा ये बात कि पूरी कांग्रेस झारखंड में सरकार जो है आम जनता के लिए नहीं चला रही है, वो बांग्लादेशी घुसपैठिए को यहाँ घुसाने के लिए, डेमोग्राफी बदलने के लिए, आदिवासियों की जनसंख्या को कम करने के लिए, ठेकेदारी करने के लिए, पट्टेदारी करने के लिए, गिट्टी बेचने के लिए, मिट्टी बेचने के लिए, दारू बेचने के लिए, इसी तरह से काम कर रही है। जाँच हो जाए, इसलिए मैं डिमांड करता हूँ इसकी एनआईए जांच हो जाएगी, तो आलमगीर आलम और कांग्रेस का पूरा चरित्र जो है देश के सामने आ जाए। जी अच्छा निशिकांत जी, एक चीज तो हर कोई समझना चाहता है कि पीए के एक नौकर के पास इतना पैसा आ सकता है, आखिरकार ये जरिया क्या हुआ? क्योंकि एक पीए के नौकर के पास कितनी तनख्वाह होगी उसकी? ये दो पैसे हैं, मैंने जैसे कहा ना कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को जब हिंदुस्तान का नागरिक बनाते हैं तो उससे पैसे लेते हैं, उस पैसे का सिंडिकेट आलमगीर आलम चलाते हैं। और दूसरा रूरल डेवलपमेंट में जो पीएमजीएसवाई का रोड जो प्रधानमंत्री जी देते हैं, उसमें 30-35% कमीशन कर रहा है। रोड की क्वालिटी पूरी खराब होती है, उसका कमीशन है। दो प्रकार के कमीशन है जो आलमगीर आलम के हैं, आधा पैसा जो है वो अपने पास रखते हैं और आधा पैसा आला कमान को पहुंचाते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को आके बसाते हैं और उससे पैसा लेते हैं, ये कैसे चलता है पूरा सिंडिकेट? पूरा का पूरा जो चाइबासा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आदिवासियों की संख्या 36% थी, 24% आप समझिए कि वो क्यों कम हो गए, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, वो यहाँ की आदिवासी लड़कियों के साथ जो है शोषण करते हैं, उनसे साथ शादी करते हैं और फिर वो मुस्लिम बन जाते हैं, उसके बच्चे जो है वो मुस्लिम होते हैं। तो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आते हैं, उनको जब नागरिक बनाने की बात आती है जी, तो जब नागरिक उनको बनाते हैं तो उसका पैसा लेते हैं प्रत्येक आदमी से कि आप आ जाइएगा तो इतना पैसा लेंगे, इतना पैसा लेंगे। सिंडिकेट चल रहा है पूरा, इसलिए
गोड्डा साहबगंज जिला ये पूरी डेमोग्राफी बदल गई, गोड्डा जिला ये पूरी डेमोग्राफी बदल गई। ये है जी निशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो बीजेपी नेता निशिकांत दुबे हमें बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर सिर्फ 30 करोड़ उन्होंने तो ट्वीट करके लिखा कि 30 करोड़ रुपए मिले हैं कैश, लेकिन उनका मानना है कि ये और बढ़ेगा, करीब करीब ये जो आंकड़ा है 50 करोड़ तक भी जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस वक्त आप कह सकते हैं कि चौतरफा कहीं ना कहीं एक तरह से मुसीबत खड़ी हो गई है। अगली खबर भी हम कांग्रेस के ही नेता से जुड़ी हुई है और वो है चरणजीत सिंह चन्नी। चन्नी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने कल जम्मू में जो हमला हुआ था उस हमले को लेकर एक विवादित बयान दिया है जिसके बाद वो गिर गए हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले जो जम्मू में आतंकी हमला हुआ है वो चुनावी स्टंट है, वो चुनावी स्टंट है और ठीक चुनाव से पहले किया गया है। यहाँ पर जो सेना के जवान शहादत जिन्होंने दी है, जो इनकी शहादत हुई है उसको उन्होंने पूरी तरह से चुनाव से जोड़ा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं और ठीक चुनाव के दौरान उसे जोड़कर क्यों दिखा रहे हैं कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं, ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। अब बड़ी बात है कि देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री या पंजाब के नेता हैं वो किस तरह के बयान दे रहे हैं, जहां पर जवानों के ऊपर 30 राउंड गोलियां चलाई गई पुंछ में, शहादत हो गई, घायल हो गए हमारे जवान, लेकिन वो इसे जोड़ रहे हैं किसके साथ, राजनीति के साथ, चुनावों के साथ। लेकिन इस पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि खासतौर पे नेता उनके और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर आप पास में देखते हैं 71 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, क्या ये भी जो लड़ाई हुई थी ये भी क्या सारे स्टंट थे? ये वो लोग हैं कांग्रेस के और इनके सहयोगी दल जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी रात को 2:30 बजे अदालत खुलवाकर उनकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए प्रयासरत थे। कांग्रेस के लोग वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहती है उनको भी अपने राजनीतिक दल में शामिल करवाते हैं और पार्टी की टिकट देते हैं। कांग्रेस ने जो देश का साथ अन्याय किया है वो देश कभी भूलेगा नहीं। हजारों किलोमीटर जमीन एक्साइचिन एरिया से लेकर लद्दाख के बाकी हिस्सों पे कांग्रेस के समय गई। पाक अधिकृत कश्मीर कांग्रेस के समय भरा, कच्चा थी वो आइलैंड, कांग्रेस ने दे दिया श्रीलंका को। देश सवाल पूछता है कि कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि इन विदेशी ताकतों के आगे घुटने टेकने जरूरी था। कांग्रेस की घटिया मानसिकता देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब के कांग्रेस के, आज जलंधर से लोकसभा के कैंडिडेट हैं, वैसी घटिया बयानबाजी करते हैं, इसको नटंकी बताते हैं, इसको ड्रामा बताते हैं। जवान का शहीद होना कांग्रेस के लिए नटंकी और ड्रामा है, राजनीतिक ड्रामा है। ये है कांग्रेस का असली चेहरा, ये है गांधी परिवार का असली चेहरा, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के खून के अंदर ये घटियापंथी है, कांग्रेस के खून के अंदर आर्मी के प्रति, एयरफोर्स के प्रति या हमारे सैनिकों के प्रति ऐसी भावना है, ये गंदी राजनीति से बाज नहीं आ सकते। अब कांग्रेस के साथ साथ उनके जो गठबंधन के साथी हैं वो भी इसी सुर में गा रहे हैं। तेज प्रताप यादव आरजेडी के नेता, वो भी कहते हैं कि पुलवामा का अटैक हो या बाकी आतंकी हमले हो उसको भी वो स्टंट बता रहे हैं कांग्रेस की तरह। जो शहीद हो जाते हैं अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हरडंडा करवाते हैं लोगों को, केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए है ये सब किनके वजह से हुआ, ये मोदी जी के वजह से हुआ, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद। तो आपने देखा किस तरह से जो पुंछ में आतंकी हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, शहादत को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश हुई और यह सिलसिला चलते चलते महाराष्ट्र तक पहुंचा। और महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता विजय वेट्टीवार, उन्होंने हेमंत करकरे, जो मुंबई हमला हुआ था, हेमंत करकरे के शहादत पर ही सवाल खड़ा कर दिया और उनका कहना है कि
आतंकियों की गोली से नहीं बल्कि किसी पुलिस वाले की गोली से हेमंत करकरे की मौत हुई थी। उनकी मौत को लेकर, उनकी शहादत को लेकर कांग्रेस के नेता पुंछ से लेकर महाराष्ट्र तक सवाल उठा रहे हैं। सुनिए जी, हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोहाची देशद्रोहांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो। अब उज्ज्वल निकम जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो मुंबई हमला हुआ था कसाब को से लेकर तमाम जो आतंकी थे उनको फांसी तक पहुंचाने का काम किया था कसाब को, अब उन पर हमला करने के लिए विजय वेट्टीवार यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने शहादत को ही बदनाम करने से नहीं पीछे हटे। और यही वजह है कि बीजेपी हमलावर है और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर विजय वेट्टीवार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कर रही है। कांग्रेस वाले ने जो बात कही है वो बहुत ही शर्मनाक है। एक पुरानी एक किताब किसी मुस्लिम समाज या किसी उर्दू लैंग्वेज में शायद लिखी गई थी कि हेमंत करकरे की हत्या में आरएसएस कहाँ थे, वो सरासर गलत बात थी। उसका उद्घाटन करने के लिए, पुस्तक का विमोचन करने के लिए स्वयं दिग्विजय सिंह गए थे, बड़ी उनकी छीछा लेदर हुई थी। उसके बाद वो बात कहना ही बंद कर दिए। शायद उन्हीं दिग्विजय सिंह से प्रेरणा लेकर के बटट्टीवार जी ये बकवास कर रहे हैं। पर यह डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर कोई भी कुछ भी बोल सकता है और उसके बाद में माफी मांग के निकल भी सकता है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। मैंने आज इनके खिलाफ में इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है कि इनको इलेक्शन कंपेन से तुरंत रोका जाए, और कल तक उन्होंने यदि माफी नहीं मांगी तो मैं जाकर पुलिस कमिश्नर के पास में उनके खिलाफ FIR रजिस्टर कराऊंगा। और ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र के अंदर किसी को घूमने नहीं देना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर राजनीति का बहुत डाउनफॉल हुआ है, पर डाउनफॉल का ये लोएस्ट पॉइंट विजय वड्डेट्टीवार का स्टेटमेंट है। तो जहां उज्ज्वल निकम को लेकर विजय वड्डेट्टीवार ने इतना बड़ा बयान दिया तो उज्ज्वल निकम भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने पलटवार किया और उन्होंने साफ कहा कि कोर्ट के अंदर खुद कसाब ने खड़े होकर इस बात को माना था कि उसने ही हेमंत करकरे को गोली मारी थी। कसाब को लेकर कांग्रेस के वड्डेट्टीवार जो है आपके ऊपर आरोप लगा रहे कि आपने कांग्रेस के साथ गद्दारी की, आपने झूठा बयान दिया कि कसाब ने बिरयानी खाई थी, क्या कहना है? देखिए, ये तो मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की है। आप लोगों ने चलाया टीवी पे, किसने चलाया? आपने ही तो चलाया, जाके कसाब से पूछ लो किसने चला है। अभी तो कसाब नहीं है ना, लेकिन आप कुछ भी मुद्दे को सियासी। अच्छा, कसाब ने मटन बिरयानी दी क्या नहीं दी, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपको इसलिए फर्क गिर रहा है क्योंकि जैसे ही मैंने मेरी उम्मीदवारी जाहिर हो गई उस वक्त आपको भाजपा के खिलाफ कुछ कहना था, बोलना था, इसलिए आप मुझे टारगेट करें। लेकिन भाई साहब, ये बात ख्याल में रखिए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है। अगर कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की क्या नहीं की, इसके बारे में आप साबित कर दो क्या है जी। उन्होंने दूसरा और एक आरोप लगाया कि हेमंत करकरे साहब को जो गोली लगी थी वो आतंकियों की बंदूक से नहीं लगी थी, वो किसी अधिकारी की गोली से लगी थी। इस बात को भी आपने छुपाया, आपने देशद्रोह किया, ऐसा उनका एक आरोप था। आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी किताबों में आपने खुलासा किया, लेकिन आप चुनाव मैदान में उतरे इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। किसका किताब? मैंने किताब कभी लिखी नहीं है। नहीं, मैंने तो किताब नहीं लिखी है। लेकिन देखिए, विपक्ष में हलचल मच गई है, उनके तंबू में घबराहट हो गई है, क्योंकि जैसे मेरी उम्मीदवारी जाहिर हो गई तो विपक्ष ने अनाप शनाप ये आरोप करने शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि इस आरोप से एक तरफ कांग्रेस के नेता लगातार शहीदों को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद उनकी नेता अब कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की, जहां की नेता और साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा, जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर उन्होंने प्राथमिकता से सदस्यता से इस्तीफा दिया है। आरोप क्या लगाया है राधिका खेड़ा ने, उनका कहना है उनको न्याय नहीं मिला। रायपुर की ऑफिस में, दफ्तर में उनके साथ जो व्यवहार हुआ उसका न्याय उनको नहीं मिला। और दूसरी तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालते हैं, न्याय की बात करते हैं। ये राधिका
खेड़ा का कहना है कि क्योंकि उन्होंने अपने रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या गई थी, रामलला के दर्शन किए थे, उसी की सजा मिली है और उसी का विरोध किया जा रहा है। एक हिंदू होने के नाते अगर उन्होंने अपने आराध्य भगवान राम के दर्शन किए तो कौन सा उन्होंने पाप कर दिया, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि पार्टी के लोग उनका विरोध करें, और जिन्होंने 22 साल से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के लगा दिए पार्टी के ऊपर, उनके साथ इस तरह से व्यवहार होता हो। मैम, आपने अपने इस्तीफे में आरोप लगाया है कि जब आप रामलला के दर्शन करने के लिए गईं उसके बाद पार्टी में आपके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया, कौन लोग वो थे जो आपके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिए हैं? देखिए, ये अनिश्चित काल से हम देखते आ रहे हैं हमेशा से कि जो लोग भी भगवान का साथ देते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनका विरोध होता है। और उनके साथ जो हुआ तो होता है, हमने हिरण्यकश्यप के समय पे भी देखा और हमने देखा कैसे रावण और कंस भी करते थे। लेकिन ये चीज आज कलयुग में मुझे देखने को मिलेगी और मेरे साथ होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं रामलला के दर्शन जब करने गई उसके बाद मेरा बहुत विरोध हुआ और कहा भी गया कि चुनाव का समय आ रहा है, नहीं जाना था, फोटो हटाओ। जब मूर्ति की स्थापना हुई थी तब भी, जब मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ हुआ था तब भी वीडियो डालने के लिए मेरे को बहुत डांट लगाई गई थी और लगातार मुझे बोला जाता था कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा हिंदू हिंदू करती हो। मैं अपने धर्म के बारे में अगर बात करती हूँ तो इससे सबको आपत्ति होती थी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि उसकी नाराजगी आज जब मुझे न्याय की जरूरत होगी तो मेरे को उसमें तकलीफ देगी। 5 दिन 6 दिन पहले कांग्रेस के कार्यालय में, कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में छत्तीसगढ़ के, मेरे साथ अभद्रता हुई, बदतमीजी हुई, गाली गलोच हुआ और 3 आदमियों ने कमरा अंदर से बंद कर दिया। जब मैं भागी, बचती, चिल्लाती और वो वीडियो भी पता नहीं किसने, जिसने भी बनाया उसका मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि तब दुनिया को पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं रोती चिल्लाती वहां से भागी, वहीं पे अपने न्याय की गुहार करती रही, कोई नहीं आया। मैंने स्थानीय नेताओं से लेकर दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी को मौका मिला है, चुनाव का माहौल है तो बीजेपी भी इस मामले को लेकर आरोप लगा रही है, कांग्रेस को घेर रही है। अब अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? अनुराग ठाकुर ने सीधे प्रियंका गांधी से पूछा है, नारा दिया था आपने, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो अब राधिका खेड़ा के सामने यह प्रश्न उठता है, क्या वो लड़की है, लड़ सकती है कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस के यहीं पे राधिका खेड़ा जी बहुत लंबे समय से मीडिया विभाग में अपनी सेवाएं देती हैं, उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार अत्याचार किया गया और जिस तरह से अगर उनका राम मंदिर में माथा टेकना ही गुनाह था और उनको साथ जो जो हुआ उसका तो आपने बयान देखा भी होगा। अब इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी हो या फिर उनके एक और प्रवक्ता अंकिता दत्ता, इनके साथ और ऐसी अनेक कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं मिल पाया। प्रियंका जी कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन ना वो अपनी टिकट के लिए लड़ पाई, ना इन महिला प्रवक्ताओं के और मीडिया प्रबंधन वाले अपने कांग्रेस के नेत्रियों के लिए, तो इससे पता चलता कांग्रेस के अंदर अन्याय है।